जय माँ दुर्गा। इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर रोड स्थित माँ नव दुर्गा मंदिर के ठीक सामने, और आप देख सकते हैं मंदिर का जो डेकोरेशन है कितना शानदार डेकोरेशन किया गया है। आज पहला नवरात्रा है, पहला नवरात्रा की वजह से यहाँ पे माता के दर्शन करने वालों की खासी भीड़ है। तो सामने बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल माता की जो मूर्ति है वो यहाँ पे दिख रही है, और जो डेकोरेशन है वो मैं आपको नज़दीक से और दिखा रहा हूँ कि काफ़ी रंग बिरंगी लाइटों से ये डेकोरेशन किया गया है, काफ़ी शानदार। यहाँ पर देखिए किस टाइप का हाईवे है, हाईवे होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में भी हो सकती है प्रॉब्लम। और आप बाहर देखेंगे एक बार में हनुमान जी के मंदिर, जो पास में जो मंदिर है हनुमान जी का, इमली वाले हनुमान जी का, उसका भी डेकोरेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी का जो डेकोरेशन है वो भी शानदार किया गया है। देखिए नवरात्रि जो होते हैं और या तो माँ दुर्गा के होते हैं या हनुमान जी के होते हैं, ऐसे में हनुमान मंदिरों और माँ नव दुर्गा के जो मंदिर हैं उनमें सभी में ही बहुत शानदार डेकोरेशन किया जाता है, आप देख सकते हैं इस समय। और मंदिर के बाहर की भी देख सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे भीड़ है, लोगों का, भक्तों का आना जाना यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। अभी जस्ट करीबन 20 मिनट पहले ही यहाँ पे आरती हुई थी, आरती में काफ़ी यहाँ पे रश था, तो हमने आरती के समय कस्टूट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर के दोनों ओर प्रसाद की, खिलौनों की, नारियल की ये ठेले वगैरह लगे हुए हैं। ये जो जयपुर रोड का भी दृश्य एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, ये सॉरी जयपुर रोड का दृश्य है, और इस साइड से ये चमो इलाके की तरफ का दृश्य है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की है। एक बार देखिए ये गुब्बारे वगैरह बेचने वाले जो हैं लोग यहाँ पर, और भीड़ का लगातार आना जाना यहाँ पे जारी है। एक बार डेकोरेशन की मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार डेकोरेशन मंदिर का किया हुआ है, और लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। देखिए रंग बिरंगी जो रोशनी है वो की गई है, अंदर चलेंगे एक बार। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, मुख्य द्वार से हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लिखा हुआ है सामने माँ नव दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर। इससे पहले मैं आपको इस मंदिर के जो दाएं बाएं कौन कौन से मंदिर हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है शिवालय, ये शिवालय है जो ठीक मंदिर के सामने है। यहाँ पर भी काफ़ी जो भीड़ है वो है, लगी हुई है। दूसरी साइड में मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर भैरव मंदिर है वो है, और वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं इस समय। ये जो लोग हैं यहाँ पे पूजा करके, हालांकि ये कहावत है कि भैरव जी के जो दर्शन है वो माता जी के दर्शन के बाद में भैरव जी के दर्शन करके फिर ही आना चाहिए। एक बार मैं आपको इमली वाला जो हनुमान मंदिर है उसमें किस प्रकार का डेकोरेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पास में ही आप देख सकते हो ये इमली वाले हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर भी बहुत शानदार डेकोरेशन किया हुआ है। अभी हम आपको माँ नव दुर्गा का जो मंदिर है वही यहाँ पे दिखाएंगे, और एक बार भैरव जी की जो मूर्ति है देख सकते हो, ये सामने भैरव जी की मूर्ति है ये लगी हुई है। एक बार फिर आप देखो कि किस प्रकार से डेकोरेशन किया गया है, लाइट डेकोरेशन बहुत ही शानदार लाइट डेकोरेशन है। अंदर प्रवेश करने वाले जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो घंटा बजा करके और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने बिल्कुल लगी हुई है वो घंटी लगी हुई है। अब सीढ़ियों से मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे अगरबत्ती लगाने के बाद में सीधे ही और ये मुख्य मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप
श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और ये देखिए आप किस प्रकार की श्रद्धा जो है लोगों के अंदर है। यहाँ पर बैठ करके जो लोग यहाँ पे माता को धोख लगाई जा रही है। और जो सामने एक बार मंदिर के बाहर का थोड़ा सा मैं दृश्य दिखाऊंगा आपको, देखिए किस प्रकार से शानदार के अलावा जो है अंदर का भी जो दृश्य है बहुत ही शानदार किया हुआ है यहाँ पे। और ये अनेक रूप जो है वो माता के यहाँ दिखाए गए, काफी शानदार चित्रकारी की गई है। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ यहाँ पे जश्न हुई है इसकी वजह से आरती अभी भी लोग देख लेकर के जा रहे हैं।
मंदिर नीचे नहीं चलो, छोड़ नीचे छोड़ दिया भाई। और ये देखो, अब मैं आपको नीचे भी लेके चलूंगा। यहाँ पे बेसमेंट बना हुआ है, बेसमेंट में भी काफी शानदार मूर्तियां लगी हुई है, बेसमेंट में लेकर चलूंगा मैं आपको। इस समय हम जो बेसमेंट है वहां पहुंच गए हैं, और बेसमेंट में भी आप भीड़ देख सकते हो किस प्रकार से जो पूजा करने वाले हैं। एक बार माता की जो दिखाऊंगा मैं आपको, पूरी काली माता की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, और सामने दान पात्र रखा हुआ है। तीनों के आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको पहले मिल सके।